हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी व पूर्ण तरंग दिष्टकारी की क्रिया विधि को समझने वाले हैं। और आपको बता दें बच्चों, ये टॉपिक या तो 3 नंबर में पूछा जाता है या फिर 5 नंबर में। और ये बच्चों अगर हम बात करें 100% फिक्स होता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर में कुल मिलाकर के 5 से 6 टॉपिक हैं और 5 से 7 सेट बनते हैं, तो हर एक सेट में ये जरूर पूछा जाता है। इसलिए बच्चों इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, अच्छे से तैयार कर लेना। और आपको बता दें बच्चों कि आज हमने इतना सरल शब्दों के प्रयोग से इस टॉपिक को तैयार किया है कि आपने ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या है। बच्चों देखिए, पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी का परिपथ खींचिए तथा कार्य विधि समझाइए, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और हर साल पूछा जाता है। हमने बोला ना कि 100% है कि एग्जाम में आएगा। देखिए बच्चों, इसमें सबसे पहले करते क्या है, देखिए इसकी बनावट को समझ लेते हैं। ये एक फिगर है, इसमें एक प्राथमिक कुंडली पी है, एक द्वितीयक कुंडली एस है। और यानी इसे क्या जोड़ा गया है, प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ा गया है, और यहां पर क्या है, निर्गत वोल्टेज में RL एक लोड प्रतिरोध, और इसमें एक पीएन संधि डायोड जुड़ा है। तो चलिए बच्चों देख लेते हैं कि इसकी बनावट में हमें क्या लिखना है, ठीक है ना, कि बनावट में हम क्या लिखेंगे, ध्यान से समझना। देखिए बच्चों, बनावट में हमें क्या लिखना है, बनावट में क्या लिखेंगे, चलिए लिखेंगे बच्चों कि इसमें ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है ना। ये क्या है, ट्रांसफार्मर की ये क्या है, प्राथमिक कुंडली है बच्चों, और इसे एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से, यानी इसी से क्या है, इसको धारा दी जाती है। तो इसमें क्या है, ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली P को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ा जाता है, तथा द्वितीयक कुंडली S में, ये S है, ये द्वितीयक कुंडली है, तथा द्वितीयक कुंडली S में क्या होता है बच्चों, पीएन संधि डायोड, यानी यहां पर पीएन संधि डायोड है, तथा एक लोड प्रतिरोध RL, ये RL है, क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। अगर आप देखेंगे बच्चों तो यस जो है, इसमें एक पीएन संधि डायोड, फिर आगे चल करके एक लोड प्रतिरोध जोड़ा गया है, ठीक है ना। तो इसमें पीएन संधि डायोड तथा एक लोड प्रतिरोध RL श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं, इतना समझ में आ गया। फिर इसमें होता क्या है बच्चों कि निर्गत वोल्टता को लोड प्रतिरोध के सिरों के बीच प्राप्त किया जाता है, यानी इसको जब प्राथमिक कुंडली को प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं, फिर इसमें धारा बहती है, और उसके बाद लोड प्रतिरोध यानी वोल्टता यहां पर लोड प्रतिरोध के द्वारा ही निर्गत वोल्टेज का आकलन किया जाता है। तो ये हो गया बच्चों बनावट। अब क्रिया विधि में क्या लिखेंगे कि ये कार्य कैसे करता है, ध्यान से समझना। क्रिया विधि में क्या लिखेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट, उसके बाद आप दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए लिखेंगे बच्चों कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो, धनात्मक अर्धचक्र का मतलब कि जब इसको हम वोल्टेज से जोड़ते हैं प्राथमिक कुंडली को, और इस कंडीशन में जब हम मान लेते हैं ए पर प्लस चार्ज है, ठीक है ना, यानी धन, ये जो सिरा ए है वो धनात्मक और सिरा बी क्या हो जाए बच्चों, ऋणात्मक। तो ऐसी अवस्था में क्या होता है, संधि डायोड अग्रदिशिक में होता है, यानी ये जो संधि डायोड है अग्र अभिनत या अग्रदिशिक में होगा। कब, जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए धनात्मक हो और सिरा बी ऋणात्मक हो। यही तो लिखा ना कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक होता है, तो संधि डायोड अग्रदिशिक में होगा। और अग्रदिशिक में जब होता है बच्चों, आपको ये पता होगा, जब अग्रदिशिक में होता है तो संधि में यानी इधर से धारा सी से डी की ओर, ठीक है ना, सी से डी की ओर क्या है, धारा बहने लगेगी। तो यहां पर वही लिखेंगे कि इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में धारा सी से डी की ओर बहने लगती है, सी से डी की ओर बहने लगती है, ठीक है ना। और इसके बाद ऋणात्मक अर्धचक्र में
जब कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है, यानी जब क्या हो दूसरे अर्धचक्र में बीरा मतलब ये बी सिरा क्या हो जाए, ये वाला बच्चों बात करें धनात्मक हो जाए और ये ऋणात्मक हो जाए, तब क्या होगा, तब होगा बच्चों संधि डायोड पश्चदिशिक की स्थिति में, तब संधि डायोड पश्चदिशिक में होगा और इस अवस्था में बच्चों लोड प्रतिरोध में कोई धारा नहीं होती है, यानी कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है, धारा शून्य हो जाती है, ठीक है ना। अतः पीएन संधि डायोड के अर्ध तरंग दिष्टकारी में केवल धनात्मक अर्धचक्र में ही लोड प्रतिरोध में धारा का प्रवाह होता है। ये रही बच्चों क्रिया विधि। चलिए अब हम बता देते हैं कि चित्र के माध्यम से आप समझ लीजिए, उसके बाद तो रसगुल्लों इस रटना पड़ेगा ही नहीं, ठीक है ना। बनावट में तो आपने देख लिया कि कैसे बनाते हैं। देखिए कार्य विधि में यही लिखना होगा कि प्रथम अर्धचक्र में जब कुंडली को निवेशी वोल्टेज से जोड़ देते हैं, तो अर्धचक्र में जब सिरा ए धनात्मक हो और सिरा बी ऋणात्मक हो, तो ऐसी स्थिति में बच्चों पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत की स्थिति में होता है और इस अवस्था में लोड प्रतिरोध में सी से डी की ओर धारा बहने लगती है, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर क्या करते हैं कि दूसरे अर्धचक्र में जब हम ए को ऋणात्मक मान लेते हैं और बी को धनात्मक मान लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में पीएन संधि डायोड उत्क्रम अभिनत में होगा, यानी पश्चदिशिक में होगा। ऐसी अवस्था में क्या है, लोड प्रतिरोध में कोई धारा का प्रवाह नहीं होगा। कहने का मतलब केवल अर्ध तरंग दिष्टकारी में ही बात करें तो बच्चों आधे चक्र में ही धारा का प्रवाह होता है। तो इस तरह से आप क्रिया विधि लिखेंगे। आई होप कि इससे ज़्यादा आसान और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो चलिए बच्चों इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। ये हो गया इतना, ठीक है ना, बनावट इतना, फिगर और उसके बाद कार्य विधि, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं बच्चों पूर्ण तरंग दिष्टकारी को। चलिए दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, क्योंकि दोनों में कोई एक ही पूछा जाता है, ठीक है ना भाई। अगर हम बात करें एक सेट में दोनों तो देगा नहीं, या तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी या तो अर्ध तरंग। इसका फिगर थोड़ा क्या है, डिफिकल्ट है, लेकिन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि आप बना ना सको, ठीक है ना। क्वेश्चन होगा कि पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंग दिष्टकारी परिपथ आरेख खींचिए तथा इसकी कार्य विधि समझाइए। देखिए इसमें क्या होता है बच्चों, पहली बात तो हम समझ लें पूर्ण तरंग दिष्टकारी क्या है। पूर्ण तरंग में क्या होता है, वाह उपकरण है। पूर्ण तरंग दिष्टकारी वाह उपकरण है जो प्रत्यावर्ती धारा के पूर्ण भाग का दिष्टकरण करता है, इसमें यानी पूरे भाग में धारा का प्रवाह होता है। देखिए इसमें बनावट क्या है बच्चों, ध्यान से समझिए। फिगर आप देख रहे हैं कि एक प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज है, इसको प्राथमिक कुंडली पी से जोड़ा गया है और द्वितीयक जो कुंडली है, ठीक है ना, द्वितीयक कुंडली में दो संधि डायोड D1 D2 जुड़े हैं, ठीक। तो लिखेंगे कैसे उसको देखते हैं। लिखेंगे क्या बच्चों, इसमें प्राथमिक कुंडली को एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ दिया जाता है, देख रहे हैं आप यहां पर जोड़ दिया गया है। फिर आगे लिखेंगे तथा द्वितीयक कुंडली से दो संधि डायोड D1 व D2 जोड़ देते हैं। देखिए इस कुंडली से बच्चों इधर D1 है और इधर D2 संधि डायोड है। आगे लिखेंगे बच्चों कि इसमें P क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं, मतलब जो P क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है बच्चों, ठीक है ना, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये वाला जो क्षेत्र है P क्षेत्र, और ये जो लाइन है खड़ी खड़ी, इसको N क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें क्या है, पी क्षेत्र को आपस में जोड़ देते हैं, यानी अगर हम इधर से बढ़ते चले आएंगे बच्चों, देखिए इधर से आकर के इधर, यानी पी वाला सिरा पी से जुड़ा है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, पी क्षेत्र को एक दूसरे से जोड़ देते हैं तथा एन क्षेत्र को भी आपस में जोड़ देते हैं, और इधर वाली जो ये एन क्षेत्र है बच्चों, ये जो लाइन है इसको भी अगर बढ़ाएंगे, देखिए यहाँ तो एन वाला एन से जुड़ा है, पी वाला पी से, इतना समझ में आ गया बच्चों। फिर आगे लिखेंगे कि एक लोड प्रतिरोध RL को द्वितीयक कुंडली के केंद्रीय निष्कास T तथा N क्षेत्र के बीच जोड़ दिया जाता है। देखिए एक लोड प्रतिरोध है और यहाँ पर, ठीक है ना, ये द्वितीयक कुंडली पर जहाँ पे स्पर्श कर रहा है एक, इसको T मान लिया गया है बिंदु, और T तथा N क्षेत्र, क्योंकि इस तरफ वाला क्षेत्र क्या है बच्चों, N है, इसके बीच में RL एक लोड प्रतिरोध जोड़ दिया गया है। इतना क्लियर हो गया। चलिए अब यहां पर हम इसकी क्रिया विधि या फिर कार्य विधि कैसे लिखेंगे, ध्यान से समझिए। लिखना क्या है, हम आपको अच्छे से समझाते हैं। कह रहा है कि बच्चों लिखेंगे क्या कि निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में,
जब द्वितीयक कुंडली का सिरा ए बी के सापेक्ष धनात्मक हो। देखिए कोई दिक्कत नहीं है, जैसे अर्ध तरंग वाला यानी दृष्टिकारी है उसी तरह से सेम है, बस थोड़ा ज्यादा लिखना है। इतना इसमें भी लिखेंगे बच्चों कि क्या है कि प्रत्यावर्ती निवेशी वोल्टेज के धनात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए क्या हो धनात्मक हो और बी ऋणात्मक हो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों कि D1 यानी संधि डायोड D1 अग्र दिशिक की स्थिति में होगा और इस अवस्था में D1 से धारा C से D की ओर बहने लगती है, जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य होता है। मतलब बच्चों कि जब प्रथम अर्धचक्र में सिरा ए धनात्मक मान लेंगे और बी ऋणात्मक, तो ऐसी सिचुएशन में धारा भाई यहां से D1 से बहेगी, D1 से धारा बहेगी यानी इधर से क्या ये अग्रदिशिक होगा, ये धारा का डायरेक्शन देखिए हमने बनाया है, इधर से धारा बहेगी और उसके बाद ये, क्योंकि इसमें दो, ठीक है ना, दो चक्र बन गए हैं, तो इसमें से धारा बहेगी और C से D की ओर बहेगी, ठीक है ना, यानी D1 में धारा का प्रवाह ऐसे बच्चों होगा और ऐसी सिचुएशन में ये पश्च दिशिक हो जाएगा D2 और इसमें कोई धारा प्रवाह नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये रहता है प्रथम अर्धचक्र में। अब दूसरा क्या लिखेंगे बच्चों, ठीक है ना, यानी आगे लिखेंगे कि इसी प्रकार ऋणात्मक अर्धचक्र में जब सिरा ए बी के सापेक्ष ऋणात्मक हो, यानी दूसरे अर्धचक्र में क्या होता है कि जब ए क्या हो जाए बच्चों ऋणात्मक हो जाए और बी धनात्मक, तब क्या होगा, तब क्या होगा देखिए ध्यान से, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा बच्चों, D2 अग्रदिशिक में होता है तथा D1 पश्च दिशिक में, और इस अवस्था में धारा D2 से मतलब D2 में C से D की ओर बहने लगती है और जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य होता है। इस प्रकार दोनों डायोड चालन की स्थिति में होते हैं। मतलब समझ में आ गया, चलिए फिगर से समझिए, एकदम आसान है, हलवा है, इसमें दिक्कत नहीं है बच्चों, फिर से बोल रहे हैं बस आप फिगर को समझिए। जब क्या करते हैं, लिखना क्या है कार्यविधि में कि जब प्रथम धनात्मक अर्धचक्र में ए धनात्मक हो बी ऋणात्मक, ऐसी सिचुएशन में D1 अग्रदिशिक होगा D2 पश्च दिशिक, तो इस अवस्था में केवल D1 में धारा बहेगी और लोड प्रतिरोध RL यानी C से D की ओर धारा बहेगी और जबकि D2 में धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा। फिर आगे लिखेंगे कि इसी प्रकार जब ए सिरा ऋणात्मक हो जाए और बी धनात्मक हो जाए, तो ऐसी अवस्था में क्या होता है बच्चों, ऐसी अवस्था में D2 अग्रदिशिक हो जाता है और अब D1 पश्च दिशिक। फिर ऐसी अवस्था में क्या, इसमें ठीक है ना, ऐसी अवस्था में केवल D2 से धारा का प्रवाह होगा और ये धारा का प्रवाह C से D की ओर होगा और जबकि D1 में धारा प्रवाह शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब प्रथम आधे चक्र में D1 से धारा बहेगी, दूसरे आधे चक्र में D2 से। इस तरह बच्चों दोनों चक्र में धारा का प्रवाह होगा, यानी D1 D2 दोनों चालन की स्थिति में होते हैं। तो इस तरह से बच्चों बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो चलिए रसगुल्लो इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक है ना, ये फिगर है टिक, उसके बाद बनावट, फिर आप लिख लीजिए क्रिया विधि, ठीक है ना। तो बस बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और नए है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।